call upon Sri Amit Shah to move for leave to introduce Jammu Kashmir Reservation Second Amendment Bill. Please. I have already said it. Sabhapati Mahoday. और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट है और पूरे स्टेट में एक ऐसा वातावरण जैसे वॉर सिचुएशन है उसको सबसे पहले उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये बिल के साथ पास करेंगे तीन बिल सारे चर्चा करेंगे। एक रेजोल्यूशन भी आ रहे हैं। ये सभी विषय जो ये सभी विषय उसके साथ की नोटिस हमने बिल का हम चर्चा कर सकते हैं। सभापति महोदय मेरा ये कहना है सभापति महोदय जम्मू कश्मीर के लिए जो कुछ भी चर्चा करनी हो विपक्ष के नेता को और समूचे विपक्ष को और सत्ताधारी पार्टी के लोग सब पर मैं तैयार हूँ। सब चीजों का मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ और डिटेल आप न हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं जो नो डिस्प्ले ऑफ बैनर प्लीज गुलाम नबी जी सुनिए बोथ ऑफ यूर important members you can protest sir that is not the way maniye gripatri ji aap home minister gulam nabi ji mujhe suniye sir will go on record except home minister he is saying he ready to answer what is your problem please are bhai no, I have already given my ruling on this what is the point of order what is the rule no please not every day it's not happening please You can't speak without my permission, Sri Madhusudan Mistry ji. आप वरिष्ठ है कृपया बैठ जाइए आप बैठ जाइए पुनिया जी बैठ जाइए अग्रीन लेकिन 267 जो हमने नोटिस दी है उसका भी जवाब होगा कश्मीर में उसको एक डेढ़ घंटे में डिस्पोज आप करें मुझे और हम बिल ले लेंगे। गुलाम नबी साहब मुझे 5 मिनट रूलिंग देने के बाद फिर चर्चा नहीं होगा। 5 मिनट सुनिए प्लीज। You are the leader of the opposition. You are well aware of the rules. You raised a relevant point. It's important. Country is also taking note of the same. What is happening and all? It is the duty of the government to explain to the house. The Home Minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him, and let the bill also be moved, and then we discuss. Please, Bajaj. You know, आप Bajaj please तो भैया आप Bajaj श्री अमित शाह माननीय Home Minister. Nothing else will go on record other than Home Minister. Nothing else will not go on. Sabhapati Mahoday. Shivaji, please, baithiye. Rangarajan, please sit down. मैं आज जो रिवाइज अपना बिजनेस का लिस्ट है उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीजें एक साथ प्रस्तुत करूंगा। इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा और चारों पर एक के बाद एक करकर डिवीजन करना है तो डिवीजन। मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीजें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा करकर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है। उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत वेरी इंपॉर्टेंट सीरियस इश्यू महोदय इट विल कम टू यू वन आफ्टर अनदर इट विल कम टू यू प्लीज महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 303
73 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्ति सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।